Yes, welcome students. Now we'll start solving some bits on Coulomb's law. क्योंकि last lecture में हमने discuss किए थे इसके concept को, ठीक है? और सबसे पहले तो total 5 sums में इसमें solve करूँगा. देखो आप जितना sum solve करोगे ना ऐसे electrostatic जैसे chapter में उतना confidence develop होगा. तो this 5 sums are not enough. ओके, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करो. कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेक्चर नंबर 4, दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. ठीक है, तो चलो, एक फ्री पिथ बॉल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8 ग्राम है, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5×10⁻¹ कूलम. व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिथ बॉल बी. एक क्लियर है कि भाई दो बॉल है, एक बॉल ए है जो कि फ्री है, बराबर कि नहीं, और एक बॉल बी है. ठीक है बच्चों, फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल ए, ए बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे ये बी बॉल है. बात समझ में आ रही है? ए बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे ये बी बॉल है. और अभी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई इस बी बॉल की सॉरी ये जो बी बॉल है ना उस पर कितना मैग्नीट्यूड देंगे, मतलब कितना चार्ज देंगे, और इस चार्ज का नेचर क्या रखेंगे. भाई पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, दो नेचर होते हैं और कोई दो टाइप के तो चार्जेस, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये इस पे कौन सा चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ताकि ये चार्ज स्टेशनरी रहे, रेस्ट में रहे. आप अगर सोचो कोई भी फ्री बॉल है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना. Any free ball can come downward. Yes or no? ठीक है. So now कोई भी free ball ऐसे नीचे गिरेगा. क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि उसका weight ही उसको नीचे लेके आएगा. पर ये वाला जो ball है, ये वाला ball इस ball पे जब अपोजिट फोर्स लगाएगा, सी ये वाला बॉल इस बॉल पे जब अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इफ ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस, तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉल विल बी जीरो. एंड व्हेन नेट फोर्स ऑन दिस बॉल विल बी जीरो, दिस बॉल विल बी रेस्ट, स्टेशनरी रहेगा. तो आप समझ रहे हो, वेट तो नीचे की तरफ एक्ट होने ही वाला है. किसी तरह मैं इसको ऐसे चार्ज दे दूं ताकि ये बॉल इसको क्या करे, ये रिपल करे. इसके ऊपर जो चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है 5×10⁻¹ कूलम, तो इस पे कितना चार्ज देंगे और उसकी उसका नेचर क्या रहेगा. अभी एक चीज बच्चों बताओ, ये नेचर तो मेरे लिए क्लियर हो गया ना बॉस, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेचर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए. डू यू अग्री विथ मी? अगर बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. यस और नो? तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट को इक्वल हो जाना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1Q2/r² इज इक्वल टू mg. चलो वैल्यू डालते हैं, 9×10⁻¹. Q1 चार्ज की वैल्यू दी है 5×10⁻¹, बराबर है, इनटू Q2 मुझे फाइंड करना है बच्चों. R कितना दिया है, R 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, द होल स्क्वायर. मास कितना दिया है इसका, मास की वैल्यू दी है
8 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते, मल्टीप्लाई बाय 10^-3 और जी 10 ले लेते, या फिर 9.8 लेना है तो 9.8 ले लो। सॉल्व दिस, देखो Q2 की वैल्यू क्या मिल रही है, आंसर ये आना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, और नेचर मैंने बताया पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, और मैग्नीट्यूड ये वाला होना चाहिए। मस्त समझा कि नहीं? देखो ना, मतलब एक बॉल दूसरे बॉल को हवे में लटका के रख रहा है, क्योंकि उसका वेट उसको नीचे भले ही गिराएगा, पर इसने इसके ऊपर क्या लगाया, रिपल्सिव फोर्स लगाया, इफ बोथ द बॉल्स आर चार्ज्ड बॉल्स, ठीक है, और दोनों पे हमेशा क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको भी नेगेटिव करना पड़ता, अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये वो रिपेल करेगा अगेंस्ट वेट, ठीक है। दैट्स इट, सम ऑफ सॉल्व करो, देखो ये आंसर आ रहा है क्या, एकदम सिंपल, ये वैल्यूज वहां पे लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्या दिया है, टू सिमिलरली इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2×10^-5 न्यूटन। भाई दो बॉल्स है ए और बी, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, कितनी फोर्स लगा रहे, 2×10^-5 न्यूटन। थर्ड बॉल जो अनचार्ज्ड है, उसका नाम दिया अपने सी, उस स्पीयर को एक के साथ टच किया है और मिड पॉइंट पे रख दिया ए और बी पे, तो नेट फोर्स कितना सी पे लगेगा, फाइंड करो, यू टू फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी। देखो बच्चों, कोशिश करो सम सॉल्व करने का, ओके, और बाद में इसका सॉल्यूशन देखो, पहले से मत देखो, ठीक है। अगर आपने सॉल्व कर दिया वीडियो पॉज करके, तो सी व्हाट इज द सॉल्यूशन, ट्राई टू सॉल्व इट। दो चार्जेस है आइडेंटिकल, मतलब इस पे इक्वली चार्ज है, तो इस पे अगर चार्ज प्लस क्यू है बच्चा, तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना रहेगा, प्लस क्यू, मानते हो कि नहीं। टू सिमिलर इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर इक्वली चार्ज, तो इस पे चार्ज क्यों है, तो इस पे चार्ज क्यों है, चलो भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, आर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा ना, ये के लिखता हो तो 1/4 बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, इसको आप के से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2×10^-5 न्यूटन, बराबर है, ये समझा। अभी आप सोचो, एक सी बॉल है, उस सी बॉल को मैंने, स्पीयर है सॉरी, ए सी स्पीयर है और अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर मैंने उसको एक को टच करके इसके मिड पॉइंट पर रख दिया। अभी सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक स्पीयर को मैंने मिड पॉइंट पर रख दिया सी नाम के, और एक को टच करके रख दिया, देखो भाई इसके ऊपर चार्ज क्यों है, पर द मोमेंट आप इसको टच करके आओगे ना, तो चार्ज ट्रांसफर होते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो चार्ज Q/2 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ए पे पहले चार्ज कितना था, क्यू, पर सी को जो आइडेंटिकल स्पीयर है उस पर ए को टच करके लाया, जैसे मैं टच करूंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे Q/2 पे, ये समझ में आ रहा है बात नक्की ना। अभी सिचुएशन देखो, और ये डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा कि नहीं, R/2 बस। अभी मुझे फाइंड करना नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज सी, सी पे नेट फोर्स फाइंड करना है, तो चलो ए जो फोर्स लगा रहा है उसको एफ ए नाम देते हैं, बी जो फोर्स लगा रहा है उसको एफ बी नाम देते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या रहेगा, रिपल किया ना, इसने इसको रिपल किया तो ऐसे फोर्स लगाया एफ ए, बी ने सी को रिपल किया तो ऐसे फोर्स लगाया एफ बी, मानते हो कि नहीं। अरे सोचो यार, अगर ये ए बी और सी ऐसे तीन चार्जेस है, सॉरी ये सी है और ये बी है,
और इस पे चार्ज क्यू बाय टू है, इस पे चार्ज क्यू बाय टू है, इस पे चार्ज क्यू है और तीनों पॉजिटिव है, तो सी पे लगने वाला फोर्स क्या है? ए सी पे फोर्स कैसे लगाएगा? उस तरफ लगाएगा ना यार। और बी सी पे फोर्स किस तरफ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, ठीक है? तो दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। अच्छा कौन बड़ा है, एफ बी बड़ा है कि एफ ए बड़ा है, बताओ? बराबर है, एफ बी बड़ा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो वैल्यू पे डिपेंड करो। ए जो सी पे फोर्स लगा रहा है उसमें ए का वैल्यू कितना है? क्यू बाई टू। और बी जो सी पे फोर्स लगा रहा है उसमें बी का वैल्यू कितना है? क्यू। तो गारंटेडली बी ज्यादा फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एफ बी माइनस एफ ए, समझा? एफ बी माइनस ए क्यों लिखा है? क्योंकि बी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ए कम फोर्स लगा रहा है, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड कम है। बहुत सिंपल है समझना, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? के क्यू इंटू क्यू बाई टू अपॉन आर बाई टू द होल स्क्वायर। न्यूटन लॉ याद करो यार, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बार बार लिखने को नहीं होना चाहिए। के पहला वाला चार्ज मैंने क्या ले लिया? क्यू इंटू क्यू बाई टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के, बराबर है? क्यू बाई टू, क्यू बाई टू अपॉन आर बाई टू द होल स्क्वायर, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। के क्यू स्क्वायर बाई टू है ना, के क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन ही है, और ये आर स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, ये फोर ऊपर लिखता हूं, चलेगा बच्चों? माइनस इधर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय फोर, टू इंटू टू फोर, इंटू आर स्क्वायर बाय फोर, ये कैंसिल हो गया, टू वन जा टू टू जा, तो ये आ जाएगा टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये टू के, इधर वन है ना कोएफिशिएंट, व्हाट इज टू माइनस वन, वन, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी है हमने ऑलरेडी ढूंढी हुई है, इट इज 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 न्यूटन, ठीक है? तो बहुत मस्त सम था ये, देखो आपको कैलकुलेशन थोड़ा अलग चाहिए तो इसको अलग अलग सॉल्व करके माइनस किया तो भी चलेगा, इट इज ऑल अप टू यू, मतलब आपको कैसे करना है उसके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं उसमें। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R, दो आइडेंटिकल चार्जेस है दोनों R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है? एंड अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग अबाउ द टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बच्चों दो लाइक चार्जेस है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस R है, ठीक है? चलो ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R, ये समझ गया? अभी तीसरा चार्ज दोनों के बीच में रख दिया है, ओके? तीसरा चार्ज दोनों के बीच में रख दिया है, ओके? सच दैट कि वो तीनों इक्विलिब्रियम में जाएंगे, मतलब तीनों रेस्ट में रहेंगे, ठीक है? तो चलो ये तीसरा चार्ज यहां पे रख दिया, और ये प्लस क्यू, नहीं ये क्यू है, ठीक है? ये क्यू है, अपने को उसका क्या फाइंड करने का है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, साइन फाइंड करनी है और पोजिशन फाइंड करना है, ठीक है? मतलब प्लस से माइनस से मुझे नहीं मालूम, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये फाइंड करना। तो देखो क्या क्या दिया भाई, दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है, दोनों में डिस्टेंस आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर कहीं ये क्यू चार्ज रखा है, बीच में नहीं रखा है, कहीं रखा है, आई डोंट नो कहां पे रखा है, पर इसको इस तरह रखा है कि ये तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम में चले गए, मतलब तीनों रेस्ट में चले गए, मतलब सब फोर्सेस कैंसिल होते रहेंगे, समझ रहे हैं? तो ये दिमाग लगाओ कि तीनों इक्विलिब्रियम में चले गए, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका साइन क्या होना चाहिए, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ओके? तो चलो ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ए से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, ऐसे सोचते हैं। सो व्हेन आई से व्हेन चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्स जो ए लगा रहा है इस चार्ज पे और फोर्स जो बी लगा रहा है इस चार्ज पे, वो क्या रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट, कम ऑन। तो गारंटेडली इसकी साइन पॉजिटिव होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर इसने इसको रिपेल किया तो ये भी इसको क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है भाई, दोनों एक दूसरे को रिपेल, मतलब इसने जो फोर्स इस पे लगाया वो अगर उस तरफ लगाएगा तो ये जो फोर्स इधर लगाएगा वो भी उस उल्टा डायरेक्शन में रहना चाहिए, ना कि सेम डायरेक्शन में, तो ही कैंसिल हो जाएगा। देखो दो अपोजिट फोर्स बनेंगे तो ही कैंसिल होंगे, और जब फोर्स कैंसिल होंगे तो ही वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसका चार्ज कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो और नेगेटिव भी रख सकते हो। आप सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो साइन वाला आंसर अपने को मिल गया। अभी मैग्नीट्यूड समझते हैं, ए इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। देखो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ याद करो फटाक से, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, बी कितना फोर्स लगा रहा है, क्यू अपॉन आर माइनस एक्स द होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग कर दिया, आर इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर बाई टू, तो आर बाई टू पे रखना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर। अभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पोजिशन मैग्नीट्यूड, पोजिशन भी पता चल गया कि इसको बराबर बीच में रखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो भी फाइंड कर लेते हैं। अभी वैल्यू फाइंड करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड सी, ओके, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये भी तो इक्वल है, तीनों इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों के फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ए पे जो फोर्स लगा रहा है, ये जो सी है, सपोज ये सी पॉइंट है, ए पे जो सी से फोर्स लग रहा है और ए पे जो बी से फोर्स लग रहा है, वो भी तो इक्वल है ना, इक्वल एंड अपोजिट। ए से सी पे जो फोर्स लग रहा है और ए पे बी से जो फोर्स लग रहा है, वो भी इक्वल एंड अपोजिट है। अब आप इसका मजा देखो क्या है, अभी तीनों इक्विलिब्रियम में जाने के लिए क्या साइन होनी चाहिए, है कि नहीं। ये दोनों, इसको अकेले को इक्विलिब्रियम में जाना है तो पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, पर तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ऑल द थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम, तो इसकी साइन क्या होगी। अभी हम इसके साइन पे बात करें, है ना। अभी मजा देखो क्या है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये ए है, ये बी है, यहां पे चार्ज प्लस क्यू है, यहां पे चार्ज प्लस क्यू है, ओके, और यहां पे चार्ज स्मॉल क्यू है सी पॉइंट पे। ये स्मॉल क्यू, अगर ये चार्ज को अगर मुझे इक्विलिब्रियम में डालना है तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में जाएगा, रेस्ट में रहेगा। पर तीनों इक्विलिब्रियम जाने के लिए तीनों को रेस्ट में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, अपने को तीनों इक्विलिब्रियम में लाना है। तो बी तो ए पे ऐसा ही फोर्स लगाने वाला है क्योंकि इन दोनों की साइन तो अपने को पता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कंफर्म है कि ये इस पे इस तरफ ही फोर्स लगाएगा। तो ये इस पे अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी अगर पॉजिटिव ले गया, अभी उसकी साइन अपने को फाइंड करनी है, तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये भी इसको रिपेल करेगा, हा या ना। तो अगर ये इसको रिपेल कर देगा तो कभी नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स के लिए दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो गारंटेडली मुझे पता चल गया कि इसकी साइन क्या है, माइनस है। अगर मैं इसकी साइन माइनस लूंगा तो ही वो अट्रैक्ट करेगा, और दोनों फोर्स जो ये लगाता है, दैट इज फोर्स ए बी, और जो ये लगाता है फोर्स ए सी, वो इक्वल एंड अपोजिट बन जाएंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है।
अगर इसको ही सिर्फ इक्विलिब्रियम में रखना था, अगर इसको ही रेस्ट में रखना था, इस पे ही नेट 4-0 लगाना था, तो वो प्लस भी रहता माइनस भी रहता कोई फर्क नहीं होता। पर अगर तीनों को रखना है तो इसकी साइन इसके अपोजिट ही होनी चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या है? के फोर्स एक्टिंग ऑन ए एंड सी, तो के क्यू क्यू अपॉन आर बाई टू द होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस हमने ढूंढ लिया कि भाई आर बाई टू है ना, इज इक्वल टू के क्यू क्यू, इन दोनों केस में ना, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा के क्यू कैंसिल, तो क्यू इज अपॉन आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा ना, आर बाई टू द होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई फोर, इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्यू बाय फोर। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने? थोड़ा टेक्निकली सोचोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हैवी जा सकता है, बट इफ यू कीप ऑन थिंकिंग इट विल बी इजी फॉर यू। ये ना मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा याद रख दो, ये सब में बहुत बच्चे हमेशा मिस्टेक करते, तो देख लो याद रखो चाहिए तो बहुत अच्छा समय। अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू ऑब्जेक्ट्स, चार्ज क्यू को दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस सो दैट टू ऑब्जेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। एक चार्ज क्यू है उसको दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लेट क्यू एंड क्यू माइनस क्यू बी द चार्जेस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया, तो एक पे अगर चार्ज स्मॉल क्यू है तो दूसरे पे क्यू माइनस क्यू रहेगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू है ना। चार्ज कैन ऑलवेज बी कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बात क्लियर हो गया? एक ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज क्यू है, इसके दो टुकड़े कर दिए, इसमें एक पे अगर चार्ज प्लस क्यू गया तो दूसरे पे चार्ज क्यू माइनस क्यू ही जाएगा, हाँ या ना? ओके, तो दोनों में फोर्स कब मैक्सिमम हो, कितना उनकी कितनी वैल्यू रहेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमा वाला कंडीशन मैथमेटिकल टूल, अगर आपको पता रहेगा कि अगर उनका फोर्स उनकी कितनी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू देखना है, तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होना चाहिए? जीरो। ओके, क्यू की कितनी वैल्यू रहेगी तो दोनों के बीच में का फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस, ये क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों के बीच में का फोर्स मैक्सिमम हो जाए? तो मैक्सिमा का कंडीशन लगाना है। ये हमेशा मैं बोलता हूं, मैंने मैथमेटिकल टूल में डाल के रखा है, डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, आप देख लो आपको समझ में आएगा। ग्राफ के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है, कि डेरिवेटिव जीरो चाहिए। तो चलो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो df अपॉन dq क्या बनेगा? k अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव नहीं लगता है, d by dq ऑफ, इधर से तो ब्रैकेट ओपन कर दो, qq माइनस q स्क्वायर, है ना। तो चलो k अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है? जीरो। मैक्सिमा फाइंड करना तो ये वैल्यू जीरो है, तो डाल दी जीरो, तो k अपॉन आर स्क्वायर इन टू, q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q इज वन और इसका टू क्यू आएगा, है ना, q विद रिस्पेक्ट टू q इज वन और q स्क्वायर का क्या आएगा? 2q आएगा। इसको यहां पे लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू क्या मिलने वाला? 2q, तो q की वैल्यू क्या मिलेगी? q बाय 2, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? q बाय 2। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो ये बहुत जबरदस्त वाले क्वेश्चंस है जो मैंने सॉल्व किए। एक सम आप सॉल्व करो, मैं इसका आपको हिंट देता हूं, ओके, यू ट्राई टू सॉल्व इट, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये प्रूव वाला सम है तो बता देता हूं। दो स्मॉल स्फीयर है, ईच ऑफ मास m kg एंड चार्जेस q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ l। दो स्फीयर है, टू स्मॉल स्फीयर, l थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है, स्फीयर का मास m दिया हुआ है और उनके ऊपर चार्ज q है, बट लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, वो स्पीयर का मास कुछ नहीं है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, थ्रेड का मास कुछ नहीं, लाइट थ्रेड है। थीटा एंगल बिटवीन देम रहेगा,
ओके दैट इज मेड विद एंगल मेड विद द वर्टिकल दिया हुआ थीटा एंगल मेड विद द वर्टिकल व्हेन देयर आर इक्विलिब्रियम ओके आई वांट टू फाइंड दिस सिंपल सा मतलब है दो थ्रेड को अगर आपने बॉब लगाया ओके दो दो धागा लिया उसको दो स्पीयर लगाए और दोनों पे सेम चार्ज डाले तो गारंटेडली दोनों रिपेल करेंगे ना यार तो सिचुएशन ऐसे बनने वाला है बात समझ में आ रहा है कि दो धागे दोनों को एक स्पीयर लगा उनका मास भी दिया हुआ है अपने को कि लेंथ एल है कि इनका मास एम है दिया हुआ है और दोनों पे चार्ज सेम डाल दिया चार्ज अलग डाल दे तो चिपके रहते थे चार्ज सेम डाले तो वो रिपल कर दिया एक दूसरे को एंड द मोमेंट दोनों ने एक दूसरे को रिपल कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और इक्विलिब्रियम पे चले गए और ये एंगल कितना है थीटा क्या ये एंगल थीटा ठीक है तो अपने को ये प्रूव करना है कर सकते हो खुद भी बहुत सिंपल सा सम है ठीक है एफबीडी बनाओ किधर एक जगह पे देखो ये इस पे है ना ये दोनों पे ज्वाइन करने वाली लाइन है जिसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं आर इसके ऊपर चार्ज क्यू है इसके ऊपर चार्ज क्यू है ना इसके ऊपर चार्ज क्यू क्यू और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है आर ये आर हो गई है ना तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा ये फोर्स इसने लगाया और एक तो उसका खुद का वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा दैट इज एम जी मानते हो कि नहीं तो ये फोर्स एफ लग रहा है वेट एम जी लग रहा है और इसमें ऐसा टेंशन भी लग रहा है धागे में तो टेंशन बनेगा ना बेटा तो इसका एफबीडी जब मैं ड्रॉ करता हूं तो इस बॉब पे कितने फोर्स लग रहे तीन एक तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगा दिया एक तो नीचे की तरफ क्या लगा दिया वेट लगा दिया और टेंशन टी ऊपर की तरफ लगा और ये तीनों भी जो है वो इक्विलिब्रियम में है ना इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में हो गया मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे कैंसिल कर रहे तो ही तो वो रेस्ट में जाएगा इट इज एन इक्विलिब्रियम अभी सोचो ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा तो उधर जाते रहेगा ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो शायद टूट के नीचे गिर जाएगा है ना ऐसा पर वो इक्विलिब्रियम में रेस्ट में मतलब ये जो नेट फोर्स है तीनों का मिला के ओके वो जीरो हो जाएगा मानते हो कि नहीं इजी तो इसको सिर्फ अपने को सॉल्व करना है बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा है तो उसमें सम इजीली सॉल्व हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो फोर्स का वैल्यू लिख देते हैं फोर्स का वैल्यू क्या है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको आप के भी लिख सकते हो क्यू स्क्वायर है ना दोनों का चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू 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 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर है ना इसको अपन ने क्या लिया हुआ है आर स्क्वायर ओके अभी अपना एक टेक्निक भी है कि अगर तीनों फोर्स ओके अगर तीनों फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ओके तीनों फोर्स अगर एक बॉडी पे लग रहे हैं और वो बॉडी अगर क्या है इक्विलिब्रियम में तो तीनों को अपन तीन साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके एज मैं लिख रहा हूं यहां पे फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम बच्चों तो तीनों जो फोर्सेस द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए दे रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना तो उससे हम लिख सकते हैं कि भाई एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू इसको अपन थोड़ा नाम दे देते हैं ओ ये ए ये बी और ये सी ठीक है तो एफ अपॉन ए सी उसको इस साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया इज इक्वल टू एम जी बताओ एम जी अपॉन क्या आने वाला है बराबर है OC ठीक है इज इक्वल टू क्या आएगा T अपॉन AO इससे आप सॉल्व करो इन दोनों को लेके जैसे कि F अपॉन इज इक्वल टू MG इनटू AC अपॉन OC एंड ट्राई टू सॉल्व इट ठीक है तो इससे आंसर आ रहा है क्या देखो अगर नहीं आ रहा है तो आप रिजॉल्व करके सॉल्व करने का कोशिश करो आपके पास मेथड है आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो उससे कर सकते हो ठीक है तो थोड़ा लेक्चर को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व इट सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट ओके कुछ आ रहा है आंसर तो देखो हाँ आप आपके हिसाब से लैमिस थ्योरम भी लगा सकते कुछ कुछ बच्चे बोलते सर हम लैमिस थ्योरम लगाएंगे ये थीटा है तो ये थीटा ले लेंगे तो करो मतलब जैसे आपको करना है वैसे करो आपको ये प्रूव करना है कोई उसके रेगुलर स्टेप नहीं है ठीक है टेक योर टाइम ट्राई टू डू इट मैंने आपको बताया लैमिस से कर सकते हो रिजॉल्व करके कर सकते हो
मेरे मेथड से कर सकते हो जैसे भी है, मतलब थ्री साइड्स बना के, ठीक है, एंड सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट. एफ इज इक्वल टू एम जी इन टू ए सी, क्या बताओ ए सी जो है वो साइन थीटा अगर लगाओगे तो ही मिलेगा, क्योंकि अपने को एल पता ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल में सी बेसिकली ये ट्राइंगल की बात चल रही है. तो ये थीटा है, ये ए है, ये सी है, वो ए है, ये एल है. तो ए सी क्या है, ए सी इज एल, यस एल साइन थीटा से आएगा, और ओ सी क्या आएगा, एल कॉस थीटा से आएगा. एल एल कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा हो गया. और एफ के बदले आप डालोगे 1/4π ε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा. बराबर कि नहीं, तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 4π ε0 r² mg tan थीटा, है ना. तो अभी इसमें सिर्फ क्या फाइंड करना बच गया, r, मानते हो कि नहीं, सिर्फ r फाइंड करना बच गया, r आ गया तो मेरा सम सॉल्व हो जाएगा. बराबर है, तो r की वैल्यू ढूंढते कि भाई r क्या है, क्योंकि ये तो मैंने लिया हुआ है, r क्या है. ओके, इजीली सॉल्व कर सकते हो r को भी. क्या आएगा r का वैल्यू सोचो, अगर आपको r निकालना है तो ab, ऑफ कोर्स इट इज 2 times AC, AB जो है वो 2 times AC है कि नहीं. तो वो 2 times AC की वैल्यू तो अपने ढूंढ के निकाली ना, AC की वैल्यू क्या है, L sin theta है. तो ये क्या बन जाएगा, L sin theta, है ना. तो ये R है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Q square is equal to 4π ε0, R की वैल्यू क्या आएगी, 4L square sin square theta, है ना, इंटू एम जी टेन थीटा. देखो अभी मुझे लग रहा है ये और ये वैल्यू सेम ही है, सम सॉल्व हो गया. इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू आर सॉल्विंग. सो इट इज जस्ट एन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, चार्जेस वाला. ऑसिलेशन चैप्टर जब आप करोगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे पेंडुलम रिलेटेड, चार्ज रिलेटेड सम उसमें भी आने वाले. कॉन्सेप्ट को आप याद रखो, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, सॉरी दिस इज द एंड ऑफ द टाइप. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने सम्स दिए हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करो. ट्राई टू मेक दिस चैप्टर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो स्ट्रांग होते जाएगा, उतना वो आपके लिए फिजिबल होगा कि नीट और जे में फड़क से सम सॉल्व कर सकते. तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.